होमवर्क किया करो, जो भी काम वाम देता हूँ उसको कंप्लीट रखा करो, ठीक है? चलिए ठीक है, तो हम लोग कल जो जहां तक पढ़े थे उसमें से किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो बताइए, कोई प्रॉब्लम किसी को? सर 10th का सी वाला नहीं बना। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको देखेंगे हम लोग, सबका, बहुत सारे बच्चों का डाउट है, उसको देखते हैं। तो कल हम लोगों ने ये वाला पोर्शन जो है कर लिया था, ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, इसमें हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन अलॉन्ग जेड एक्सिस होगा, ठीक है। और बच्चों को जब मैंने दिया था ये होमवर्क में, तो कई सारे बच्चे गलत गलत काम कर रहे हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ऑसिलेट हो रहा है, तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो ये कर्व है ना, बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर टू है ना डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आपका जेड एक्सिस है, ऐसे है, ठीक है। सो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के अलॉन्ग जो है 90 डिग्री पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑसिलेट कराना है, तो ये ऐसे करना था, कुछ बच्चों ने इसको ऐसे कर दिया है, ठीक है, तो ये टेढ़ा नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है, इसलिए मैंने दिया था बनाने की, गलतियां करेंगे। ये जो पूरा ये ब्लू वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसको हम लोगों को ऑसिलेट कराना है, कैसे? परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, ऐसे, समझ गए? यहाँ भी ऐसे 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 करके आना है। और जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है मैग्नेटिक फील्ड, उसको वाई एक्सिस के पैरेलल, ये ध्यान रखना, ये जो एक्सिस है ना वाई एक्सिस, उसके पैरेलल इसको ऑसिलेट कराना है, ठीक है, पैरेलल पैरेलल लेके चलना है। ऊपर गए तो ऊपर की तरफ वाई एक्सिस के, है ना, ये इधर की तरफ ये वाई एक्सिस होगा पॉजिटिव, ऐसे करके, ठीक है, तो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये हमेशा नीचे है तो ऐसे, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आप लोगों को, ये सब गलती जो कर रहे हैं, तो अगर ये पेपर में ड्रॉ करने के लिए आएगा तो आप गलत गलत नहीं करिएगा, ठीक है? बात समझ में आ गई सबको? अभी भी कई सारे बच्चे जो है गलती करके भेजे हैं ये, ठीक है, कई सारे क्या, मोस्टली सभी बच्चों का गलत ही है ना, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, 1 मिनट, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देख लिया था, आ गया, हाँ, ये सब इसमें के की वैल्यू जो होती है वो 2π/λ के बराबर होती है, ठीक है, और जिसमें के जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेव वेक्टर होता है, या प्रोपोगेशन वेक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को डिटरमाइन करता है, ठीक, और फिर स्पीड ऑफ अच्छा, ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है, ये सब हमने देखा था, और वो ओमेगा अपॉन के कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, स्पीड ऑफ द वेव मिल जाएगा, ठीक है, ये जो प्रोपगेशन वेव ऑफ वेव है उसकी, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मैक्सवेल इक्वेशंस वन फाइंड, इन सबसे मिला के हम लोगों को क्या मिला था ना, ओमेगा इक्वल टू सी इन टू के, और सी की वैल्यू तो हम लोग जानते हैं पहले से ही, 1/√μ0ε, ठीक है, तो ये सारी बातें थी। और जहां से कि सी की जो वैल्यू है वो e0/b0 के बराबर होती है, तो वहां से b0 = e0 × c आ गया, ठीक है, तो ये सारी बातें थी, ठीक। अब इसके बेस पे आपका क्या था, एक्सरसाइज में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था और इसमें सॉल्व एग्जाम्पल भी था, एग्जाम्पल 8.2 और 8.3 इसके बेस पे था, जो आपको शायद कल हो गया था, ठीक
है, उसके बाद एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, आप लोगों का क्या डाउट है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोल रहे थे? टेंथ का टेंथ सी पार्ट। का सी पार्ट। शो दैट द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक। अच्छा, ये अभी आज के लेक्चर में इसको हम लोग करेंगे, ठीक है? तो आज ये कंप्लीट हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है? आज की थ्योरी यही है, ठीक है? चलिए, तो फिर अभी उसको पढ़ाया नहीं हो इसलिए आपका डाउट होगा, वो आज हम लोग उसको फिनिश करते हैं। इसके बाद फिर देखिए, इसमें थोड़ा बहुत जो है मतलब लेक्चरबाजी करके दिया हुआ है, इसके बाद ये सब कुछ कुछ बातें हैं, एक बार आप लोग इसको सिर्फ पढ़ लीजिएगा। शुरू में माना गया था कि जो वेव्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंटेन ऑसिलेशन ऑफ है ना इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स फ्री स्पेस में और वैक्यूम में होता है। फिर उसके बाद है ना मतलब इसमें जो है कॉन्ट्राडिक्शन थे, लोगों ने बोला कि इनको इन वेव्स को है ना ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए कि एक सॉलिड मीडियम चाहिए, ठीक है? तो ट्रांसवर्स वेव्स जो होता है प्रोपगेट इन सॉलिड विच इज रिजिड एंड दैट रेसिस्ट शियर, ठीक है? तो 19th सेंचुरी में ये लोग, 19th सेंचुरी की बात है, सोचिए वहां पर क्या हुआ। उन लोगों ने ये मतलब कि बोला कि ये जो वेव्स हैं वो स्पेस में एक वेव मतलब मीडियम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईथर, ठीक है? आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ईथर के बारे में, है ना? एक पॉइजनस सब्सटेंस होता है जिसको बेहोशी वगैरह करने के लिए, एनेस्थीसिया के लिए यूज किया जाता है ना? पुराने जमाने में पहले इसको ऑपरेशन से पहले यही ईथर को सुंघा दिया जाता था और पेशेंट को बेहोश करके फिर उसके ऑपरेशन किए करते थे, ठीक है? यही एक जो पॉइजनस मीडियम होता है, ये पहले बोलते थे कि ये स्पेस में होता है, ठीक है, हर जगह पे। तो ये लोग इसके बारे में इतना ज्यादा कन्विंस थे कि एक नॉवेल था, उसका नाम था द पॉइजन बेल्ट, ठीक है? इस नॉवेल में है ना बाई सर आर्थर कॉनन डॉयल, ठीक है, ये शर्लक होम्स आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है, डिटेक्टिव शर्लक होम्स, इसका जो है क्रिएटर यही है, ठीक है? तो इन्होंने अपने बुक में इस एथर के बारे में द पॉइजन बेल्ट में लिखा था कि ये स्पेस में ये जो है ना मीडियम होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ट्रेवल करते हैं, ठीक है? बाद में फिर जब एक्सपेरिमेंट हुआ माइकलसन एंड मॉर्ले, ठीक है, 1887 में, तो उन्होंने इन सारी बातों को डिनाई कर दिया, ठीक है? और उनका ठीक है हाइपोथेसिस पे उन्होंने एथर पे एक हाइपोथेसिस लिखा और फिर बता दिया कि जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है ना वो ऑसिलेट इन स्पेस एंड टाइम एंड कैन सस्टेन ईच अदर इन वैक्यूम। तो उनको जो है किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, ये माइकलसन एंड मॉर्ले एक्सपेरिमेंट ने उसको कंफर्म कर दिया कि वो लोग ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इथर के ही थ्रू आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है? तो समझ में आ गई बात कि कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है इनको, ठीक? तो आप समझ सकते हैं कि उस समय में जब है ना अगर ये स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रहा है तो दिस इज वन अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू इप्सिलन नॉट, ठीक है? ये कब होगा? जब वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है उस समय में ये स्पीड जो होगी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी। लेकिन अगर सपोज इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कभी भी किसी मीडियम के थ्रू पास होता है तो वहां पर भी जो स्पीड होगी, अब हम लोग को अच्छे से मालूम है कि ये स्पीड अब पहले से कम हो जाएगी और ये हो जाएगा क्या, म्यू आर इंटू इप्सिलन आर के बराबर, ठीक है? यानी कि जब किसी मीडियम में होगा तो उसकी म्यू आर जो है वो रिलेटिव परमिएबिलिटी और रिलेटिव एब्सोल्यूट परमिटिविटी है ना, रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी का प्रोडक्ट है ना, ये चीज जो है म्यू म्यू नॉट जो है वो फ्री स्पेस के लिए है, एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस के लिए, और ये दोनों मीडियम के लिए, ठीक है ना? समझ गए? तो ये सारी चीजें हैं, तो उसको रिप्लेस कर देंगे तो उस समय में स्पीड जो है अब ये हो जाएगी, ठीक है? क्लियर है? तो अगर स्पेस में फ्री स्पेस में तो फॉर्मूला स्पीड ऑफ लाइट का ये हो जाएगा, और अगर जो है किसी मीडियम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स कर रहे हैं ट्रेवल कर रहे हैं तो ये स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा। समझ गया सब कोई? ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? यही सारी बातें जो है इधर लिखा हुआ है। फिर धीरे धीरे स्पीड ऑफ लाइट की डिस्कवरी के बारे में पता चला कि मतलब क्या होता है, ठीक है? फिर
स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो इनडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ होता है, मतलब ये किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता है। तो वेलोसिटी इज इनडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ विद इन अ फ्यू मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। और इसी की वजह से है ना मीटर को डिफाइन किया गया, लेंथ ऑफ जो स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ होता है, ठीक है। तो मीटर को इसी बेस पे डिफाइन किया गया, ये जो स्पीड ऑफ लाइट के बेस पे, कि इतना है ना 1/c सेकेंड में जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। फिर आगे चल के टाइम का भी यूनिट बनाया, ठीक है। तो ये सब डिस्टेंस का यूनिट, टाइम का यूनिट, इन सब का रिलेशन किसके साथ है, स्पीड ऑफ लाइट के साथ है, ठीक है। तो ये सब बातें पेपर में जनरली नहीं पूछी जाती है, बस सिर्फ नॉलेज के लिए एक बार आप लोग सिर्फ पढ़ लीजिएगा इसमें, ठीक है। ठीक है, आगे चल के हर्ट्ज ने जो है इसके बारे में बताया कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कंबाइंड हैं तो ये इसको अलग नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनका डिफ्रैक्शन भी हो सकता है, रिफ्रैक्शन भी हो सकता है, रिफ्रैक्ट भी हो सकता है। रिफ्रैक्शन का मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। डिफ्रेक्शन मीन्स बेंड फ्रॉम द कॉर्नर हो सकता है, पोलराइज हो सकता है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें, ये तीनों की तीनों चीजें हम लोगों को पढ़ना है वेव ऑप्टिक्स में चैप्टर नंबर 10 में, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है सामने आई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का और फर्दर मतलब कि स्टडी करने शुरू हो गए, बातें इस पे चलने लगी, ठीक है। तो यही सब बात है, ठीक है। उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को है ना जब हम लोग पोलराइज करेंगे तो ये पोलराइज करने के बाद ये है ना जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रेडियो होता है, एफएम रेडियो होता है, उन सब में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, इसका सिग्नल का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, ठीक है। ये सब ज्यादा अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें बस ये है आपको कि ये ध्यान देना कि ये जो इनमें एंटीनाज होती है रेडियो में, ठीक है। तो एक होता है टेलीस्कोपिक एंटीना, जो इलेक्ट्रिक पार्ट ऑफ द सिग्नल को, इलेक्ट्रिक पार्ट ऑफ द सिग्नल को रिस्पॉन्ड करता है, और एक जो है हॉरिजॉन्टल एंटीना होता है, ठीक है, जो क्या करता है ना सेंसिटिव टू मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो ये सबको बस खाली ध्यान में रखना है, ठीक है, कि हॉरिजॉन्टल एंटीना का क्या फंक्शन है, टेलीस्कोपिक एंटीना का क्या फंक्शन है, ये सब रेडियो के अंदर में होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, ठीक। उसके बाद इसमें हम लोगों को ज्यादा डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना है कि रेडिएशन प्रेशर क्या होता है, ठीक है। फिर मोमेंटम, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब क्या क्या कैसे। तो कहा जाता है कि जैसे अगर आप सपोज आप अगर धूप में हैं, ठीक है, अगर आपने अपने हाथ को, ठीक है, धूप में रखा हुआ है, व्हेन द सन शाइन्स ऑन योर हैंड, ठीक है, तो आपको क्या कुछ एनर्जी महसूस होती है या नहीं होती है, होती है या यस नहीं सर, होती है। गर्म हो जाता है यस हाथ, ठीक है, और अगर हाथ गर्म हो जाता है इसका मतलब है कि आपने कुछ एनर्जी जो है वो फील करा, ठीक है, समझ गए। और यही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सन में, मतलब सन क्या है, लाइट प्रोड्यूस करता है, और लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। तो आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एनर्जी को कैरी करता है और एनर्जी को ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आल्सो ट्रांसफर मोमेंटम टू योर हैंड, ठीक है, बट सी इज वेरी लार्ज। तो यहाँ से एक जो है फॉर्मूला डिराइव हुआ है मोमेंटम का, ठीक है, मतलब ये दिया हुआ है मोमेंटम इज इक्वल टू यू अपॉन सी, ठीक है, समझ गए। ये आया कहाँ से, आप इसको अगर समझ सकते हैं तो ऐसे समझ लीजिए, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि E जो होता है mc² के बराबर होता है, ठीक है। E क्या है हमारा, एनर्जी है, आइंस्टीन का इक्वेशन था ना इक्वल टू mc². अब mc² को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं mc × c, ठीक है, और मास इंटू वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं मोमेंटम, तो p × c, और ये क्या है आपका एनर्जी, ठीक है, इसको यू से डिनोट कर सकते हैं। तो यू इक्व टू p × c हो गया, तो p क्या हो जाएगा, यू अपॉन सी, समझ गए। तो एनसीईआरटी ने इसको यहाँ पर मोमेंटम के बारे में लिखा हुआ है कि आप जो है, ठीक है, जब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करता है, ठीक है, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम डिलीवर्ड टू द सरफेस, किसी भी सरफेस पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करता है तो उसमें मोमेंटम ट्रांसफर होता है,
ठीक है, और ये मोमेंटम का वैल्यू जो होता है वो एनर्जी अपॉन सी के बराबर होता है, दैट इज यू अपॉन सी। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। लेकिन ये बोलता है कि जो आप एनर्जी जितना भी फील करते हैं, ठीक है, तो जब आपको जब ये एनर्जी मतलब जो सन से जो भी एनर्जी आती है, ठीक है, आपके हाथों में गर्मी ला दी, ठीक है, आपने हीट एनर्जी महसूस किया, ठीक है, तो दैट एनर्जी अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट करेंगे तो आपको मोमेंटम जो है, क्योंकि अभी हमने बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो मोमेंटम को ट्रांसफर करता है, तो मोमेंटम ट्रांसफर करता है, तो आपके हाथ में जब सनलाइट आती है तो आपका बॉडी में जो हाथ में जो है मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मास इंटू स्पीड, ठीक है, तो मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ जो है यानी कि हाथों में मूवमेंट होना चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि ये जो आपको एनर्जी मिली वो उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं होती है, लेकिन उस एनर्जी में आप अगर स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर देंगे तो आप समझिए कि कितना ज्यादा बड़ा क्वांटिटी से आप डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए जो मोमेंटम की वैल्यू है इतनी कम होती है कि आप उसको फील नहीं कर पाते हैं, समझ गए। इसलिए कहता है कि द अमाउंट ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर्ड इज वेरी स्मॉल एंड यू कैन नॉट फील द प्रेशर, समझ गए बात सबको सबको ही। तो ये सारी बातें थी इससे रिलेटेड, ठीक है, समझ गए। तो एनर्जी यानी कि आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है वो एनर्जी को, ठीक है, और मोमेंटम को कैरी करता है और मोमेंटम को ट्रांसफर करता है, ठीक, समझ गए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन है इसके बेस पे कि लाइट विथ एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ इतना, ठीक है, फॉल्स ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंस, इफ द सरफेस हैज एन एरिया ऑफ दिस, फाइंड द एवरेज फोर्स एग्जर्टेड ऑन अ सरफेस ड्यूरिंग 30 मिनट टाइम, ठीक है, चलिए टाइम आपको दिया हुआ है। ये जो देखिए एक पहले 80 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये जो यूनिट है वो आपको समझ में आ रहा होगा, पावर अपॉन में एरिया टाइप से है, ठीक है, वाट मतलब ये पावर की यूनिट है, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, ठीक है, तो इससे हम लोग जो है पावर का रिलेशन दिया हुआ है। हमसे पूछा है कि एवरेज फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, मास इंटू एक्सेलरेशन, और इस चैप्टर में एक्सेलरेशन टाइप का हम लोगों को कुछ अभी नजर नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बोल सकते हैं, ठीक है, फोर्स वहां से भी आ सकता है, मोमेंटम तो अभी हमने देखा, मोमेंटम हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोमेंटम निकालेंगे, ठीक है, और उसको टाइम आपको दिया हुआ है, टाइम से डिवाइड कर देंगे तो फोर्स निकल जाएगा, ठीक। अब मोमेंटम का फॉर्मूला अभी हमने जस्ट पढ़ा कि दिस मोमेंटम इज इक्वल टू यू अपॉन सी, ठीक है, समझ गए। तो ये अब U जो था वो क्या था, एनर्जी, कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है कितना एनर्जी कैरी कर रहा है, ठीक। तो अब ये भी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है, बट यहाँ पर पावर दे रखा है, तो पावर से हम लोग एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं पावर इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ, है ना, रेट ऑफ एनर्जी वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि दिस एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। अब आपको पावर भी एग्जैक्टली नहीं दिया हुआ है, वो क्या है, पावर पर यूनिट एरिया है, तो 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो उसमें हम लोग एरिया से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर पर यूनिट एरिया में एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है पावर निकल जाएगा, समझ गए। तो 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर था और एरिया आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो इसमें 20 सेंटीमीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब ये जो है पावर बन गया, ठीक, और उसमें टाइम आपको कितना दिया हुआ है, 30 मिनट, तो 30 मिनट में 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको टोटल कितना एनर्जी जो है वो आपको निकल जाएगा, ठीक है, और उस एनर्जी में स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर देंगे तो आपको मोमेंटम निकल जाएगा। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा इतना। अब जब ये मोमेंटम निकल गया उसमें टाइम से फिर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 into 60, है ना, तो 30 into 60 आपका टाइम है तो 1800, ठीक है, सेकेंड हो जाएगा, तो उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो है कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वो पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं जब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल हो रहा है तो 1.2 × 10⁻⁶ न्यूटन, तो आप देख रहे हैं फोर्स बहुत ही कम अमाउंट में है, ठीक है।
तो और क्योंकि ऐसे भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं है, तो कम एरिया है, इसलिए फोर्स भी उसी रेट से जो है बहुत ही कम अमाउंट में लगेगा। समझ में आया सबको ये फॉर्मूला के साथ? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कोई दिक्कत है, किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। एनी यस प्रॉब्लम? नो ठीक सर, नो सर, है, ठीक नो सर, है। अब एक टॉप, दो तीन छोटे छोटे टॉपिक रह गए जो एनसीईआरटी में है ना नहीं दिए हुए हैं, उसको मैं अलग से बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपको क्या करना है, एक बार पूरा का पूरा पढ़ लेना है चैप्टर। ये एग्जांपल अभी हम जो आगे की थ्योरी पढ़ेंगे उससे क्लियर होगा, ठीक है, उसके आखिर ये एग्जाम्पल करेंगे। और आपको क्या करना है, ये वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको मैंने बोला था, इसका वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी थोड़ा बहुत जो है दिमाग में रखना है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने इसका शॉर्टकट भी आपको बताया था, ठीक है, LATSMIVU है ना, एक्स फिर गामा रेज, इनको सीक्वेंस में याद रखना है, ठीक है। इधर से इधर जा रहे हैं तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और थोड़ा बहुत ये भी याद रखिए कि इसका कौन सा रेंज है, फ्रीक्वेंसी का रेंज कौन सा है, ताकि कल जो हमारी क्लास होगी, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल यही सब डिस्कस करेंगे, इसका एप्लीकेशंस देखेंगे, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, स्पेक्ट्रम का, ठीक है। फिर जो है चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत इसको आप पढ़ के रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो कुछ इसमें बुक में, अच्छा नोट्स में देख लीजिए आप लोगों को क्या करना है, ये जो पोर्शन है डिस्प्लेसमेंट करंट वाला, इसको आपको चाहे तो छोड़ देना है क्योंकि सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इस साल के। तो इफ यू विश यू कैन लीव दिस नोट्स, ठीक है। आप अगर फिर भी आपको लिखने की इच्छा है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैक्सवेल इक्वेशन ये सब आपको लिखना है, ठीक है। सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर में आपको ये ड्रॉ करना है, ये सब, ठीक है, ये सब बता दिया हूँ। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग जानते हैं, ये सब पूरा लिखना है, करना है, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी, ये यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, ये सब बुक में अपने नहीं दिया हुआ है, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी तो आपको याद होगा, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में हम लोग एनर्जी डेंसिटी का रिलेशनशिप डिराइव किए थे। जैसे एक कैपेसिटर है, ठीक है, उस पे पॉजिटिव चार्ज इधर, ये नेगेटिव चार्ज इधर, तो इस पे जो है ना पोटेंशियल एनर्जी जो होता था वो हाफ ईवी स्क्वायर होता था कैपेसिटर का, याद है। तो हाफ ई की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू में वी स्क्वायर, ठीक है। और V को हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में है ना डेंसिटी भी लिख सकते, डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, क्योंकि है ना E इक्वल टू क्या होता है, V बाई डी होता है, तो V इक्वल टू E इंटू डी होगा। एक डी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है ना एरिया इंटू में डी, और यही एरिया इंटू में डिस्टेंस जो होता था, डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाता था, वॉल्यूम हो जाता था। तो दिस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो हो गया वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, समझ गए सब कोई। सो दिस इज एनर्जी डेंसिटी, कोई भी चीज में वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर कैपेसिटर के केस में होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी ये है, ठीक। उसी तरह से हमने सोलेनाइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड है ना हाफ एल आई स्क्वायर होता था इसका, क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एल की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे है ना, वो बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई स्क्वायर होता है ना, एन स्क्वायर ए एल मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां से एल की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, इंडक्टर की, इंडक्टेंस की, तो मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में सॉल्व वॉल्व होके मैग्नेटिक एनर्जी आ जाएगी कितनी, बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट, ठीक है। या फिर आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस कर दीजिए 1/μ0 से और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस कर दीजिए बी से, तो डायरेक्टली आपका ये भी आ जाता है। तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी जो है ये है फॉर्मूला, तो जो टोटल एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2μ0, ठीक है, समझ गए। तो
तो ये जो वैल्यूज हैं आपको इस तरह से दी हुई है, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, हम लोग देखे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो जो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वो कैसे वैरी कर रहा था, साइनोसॉइडली वैरी कर रहा था, ठीक है। और कोई भी चीज अगर साइनोसॉइडली वैरी करता है, ठीक है, तो हम जानते हैं उसमें आरएमएस वैल्यूज की बात करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, उसमें हम लोग क्या करेंगे, आरएमएस वैल्यू की उसको रिप्लेस कर देंगे किससे, आरएमएस वैल्यू से। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर बी आरएमएस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये हम लोग जानते हैं आरएमएस वैल्यू क्या होता था, कि जैसे किसी चीज का ई आरएमएस आई आरएमएस निकालते थे, तो दिस मैक्सिमम वैल्यू अपॉन में रूट टू, ठीक है। तो वही है यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट बी नॉट, ये एम्पलीट्यूड होता था ना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। तो ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट बाई रूट टू और बी आर एम एस इज इक्वल टू बी नॉट बाई रूट टू। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. नहीं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से है ना, ई नॉट का स्क्वायर हो जाएगा और रूट टू का स्क्वायर टू हो जाएगा, और ये टू मिलकर क्या हो जाएगा, फोर। तो हाफ मतलब वन बाय फोर इप्सिलन नॉट ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर हो जाएगा, और उसी तरह से यहाँ भी बी नॉट स्क्वायर अपॉन फोर म्यू नॉट, ठीक है। तो टोटल एनर्जी जो हो गया इतना हो गया, हाफ इप्सिलन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ई नॉट यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है ना, और बी नॉट उसी तरह से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये, ठीक है, एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो ट्रांसवर्स वेव होते हैं और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल होता है ना। ऐसा नहीं है कि कभी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम कम होगा, दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको दोनों को प्रूफ करके, यही जो आपका क्वेश्चन था ना 10th क्वेश्चन का सी पार्ट एनसीईआरटी में, आई थिंक कि यही था, ठीक है, अभी जो आप लोगों ने पूछा था क्वेश्चन 10th का सी पार्ट में, देखिए एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, आई थिंक यही टॉपिक है। ये देखिए हम लोग जानते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, अभी देखा था हमने, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हमने एक ये भी फॉर्मूला पढ़ रखा है कि सी इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट, पढ़ा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। तो जो हमारा E नॉट है उसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं किससे, B नॉट C से, ठीक है। सो E नॉट की जगह पे B नॉट C रख दिया, तो अब देखिए ये क्या बन गया, 1/4 इप्सिलॉन नॉट B नॉट स्क्वायर C नॉट स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें एक और चीज, जो C नॉट स्क्वायर है सॉरी C स्क्वायर जो है वो 1/μ0 इप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, जानते हैं, तो C की जगह पे ये रख दिया, तो यहाँ से इप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो आप देखिए बी नॉट अपॉन फोर म्यू नॉट बन गया ये फॉर्मूला, ठीक है। और ये यूवी के बराबर है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो स्टार्ट किससे किए थे, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी से, ठीक, और खत्म कहाँ पे जाके हो गया, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो हो गया एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक जो है आपस में बराबर है, ये प्रूफ हो गया। समझ में आ रही सबको बात कि नहीं आई? यस सर, ठीक है। अब इसको आप चाहे, एक और तरीका है जिससे आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है, दूसरा तरीका भी मैं बता दे रहा हूं, अगर आपको ये डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है तो। अभी आपको मैंने बताया कि जो है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है, ठीक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो है साइनोसॉइडली वेरी करता है, सो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई की जगह पे हम लोग लिख देंगे ई नॉट स्क्वायर है ना साइन स्क्वायर क्या कि एक्स माइनस ओमेगा टी या के जेड माइनस ओमेगा टी, जो भी आपको लिखना है लिख दीजिए, ठीक है, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन अपनी मर्जी से डाल दीजिए, बस ये ध्यान में रहे यहाँ जेड है तो यहाँ पर जेड ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन है वो है ना ये ई जेड ना हो, यहाँ पर जेड है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, तो ये एक्स या वाई हो सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए ये जो है हाफ, ठीक है, इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई नॉट स्क्वायर भी हो गया,
अब बचा बात, हम लोग एवरेज की बात कर रहे हैं, तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी के लिए इस वाला, ये सब तो कांस्टेंट टर्म है, तो एवरेज के लिए ये वाला जो टर्म है इसकी हम लोग को क्या करना है, कांस्टेंट वैल्यू, एवरेज वैल्यू निकालनी है। और साइन स्क्वायर है, तो आप लोगों को पिछली बार भी बता रखा हूँ ये सब, और अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में भी बताया हूँ, दिस इज 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, तो इसकी जो एवरेज वैल्यू हो जाती है वो 1/2 के बराबर हो जाती है, हम लोग अल्टरनेटिंग करंट में भी देख चुके हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर जो भी रहेगा उसकी एवरेज वैल्यू इतनी होगी, 1/2 होगी, ठीक। तो ये क्या बन गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, समझ गए ना, तो इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक, क्लियर है। उसी तरह से मैग्नेटिक वाले में क्या हो जाता था, बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर, क्योंकि साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है, तो आप साइन का फॉर्म भी रख सकते हैं इसमें, क्लियर है ना। तो और साइन स्क्वायर का फिर से जो है मैग्नेटिक में भी 1/2 होगा, तो वो भी 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट बन जाएगा, क्लियर है बात कि नहीं है, क्लियर बोलिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, जो टोटल एनर्जी डेंसिटी था आपका, ठीक है, वो हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर और बी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट 4 म्यू नॉट, ठीक है। तो इसको तो हमने क्योंकि अभी दिखाया कि यू ई और यू बी इक्वल है, तो इसको भी हम क्या कर रहे हैं, यू ई के बराबर कर दिए, इसकी जगह पे ये रख दिया, ठीक है। अब ये 1/4 और 1/4 दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, 1/2, तो टोटल एनर्जी जो है वो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, एग्रीड, हाँ या नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक और जो है फॉर्मूला यहाँ से डिराइव हो जाता है, ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन रूट 2 होता है, तो यहाँ पर ई नॉट का स्क्वायर है अपॉन में 2 है, तो ये ई नॉट बाय रूट 2 का होल स्क्वायर हो गया, इसलिए हम लोग इसको टोटल एनर्जी, ये यू क्या है, टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों मिला के, तो एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर के बराबर हो गया, समझ आया सबको, ये सब फॉर्मूले देखिए एक दूसरे से सारे इंटरलिंक्ड हैं, तो ये खुद से आप जब इसको नोट्स में बनाएंगे तो ये सारा जो है खुद से डिराइव करना है अपने से, यानी कि देख देख के छापते जाना है, ठीक है, क्लियर है, आपस में सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। फिर टोटल जो एनर्जी है इसका दूसरा फॉर्मेट देखिए, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। अब ये क्या हो गया, टोटल एनर्जी को एप्सिलॉन नॉट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिख दिया, आप मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये हमारा यू ई है और ये यू बी है, तो इस यू ई को भी इसी तरह से लिख देते हैं, यू बी लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो क्या बन जाएगा, बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, ठीक है। तो दिस इज बी आर एम एस स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, तो ये दो फॉर्मूले हो गए, ठीक है, आगे बात समझ में सबको, ठीक है। ये दिस इज टोटल एनर्जी डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और दिस इज टोटल एनर्जी डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और आरएमएस वैल्यूज के फॉर्म में, ठीक है। सो नेक्स्ट एक और टर्म है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट इसके ऊपर में क्वेश्चन दिया है, उसको आप देखिए थोड़ा सा ध्यान से इसका डेरिवेशन, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, एक कोई भी एक मटीरियल मीडियम ले रहे हैं जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो ए है, ठीक है, और ये कोई सरफेस है, ठीक, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और यहाँ से जो क्या बोलते हैं इसको ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है सी वेलोसिटी से सी स्पीड से इधर से इधर जा रहा है, और ये देख लेते हैं कि ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक डेल्टा टी टाइम में ये जो है ट्रेवल कर लिया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, सी इंटू डेल्टा टी, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है। So, ये जो है आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, ठीक, जो क्या बोलते हैं हाँ ये सारी बातें हो गई। तो अभी हमने देखा था कि जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो है ना एनर्जी इंटू में वॉल्यूम होता था, देखा था अभी हमने, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू है ना आता था हमारा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो टोटल एनर्जी अगर निकालना होगा तो उसमें है ना वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं। अरे देखो अभी ये तुरंत बताया था ना कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में ये जो था है ना 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर तो एनर्जी था, और उसमें क्या किया हमने है ना
ये पर यूनिट वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया था एडी से, तब जाके हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आया था। तो टोटल एनर्जी चाहिए तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम, तो एनर्जी इज इक्वल टू है ना एनर्जी डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, ठीक है। तो एनर्जी अभी हमारा है ना कितना है यू, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा एरिया इंटू में डिस्टेंस। तो एरिया हमारा है ए और डिस्टेंस हो गया सी डेल्टा टी, ठीक है। ये है हमारा टोटल एनर्जी। हम लोग को फाइंड क्या करना, इंटेंसिटी करना है। तो आपने क्लास 9th 10th सब में पढ़ा होगा, इंटेंसिटी का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं। किसी भी चीज में कितना सरफेस पे कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉल कर रहा है पर यूनिट एरिया में और पर यूनिट टाइम में, दैट इज इंटेंसिटी, ठीक है। सो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो एनर्जी ये हो गया, ठीक है, टोटल, और अपॉन में एरिया और टाइम। तो एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा टी कैंसिल हो गया, तो U into C हो गया। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ से हो गया U into C। सो टोटल एनर्जी इंटू में स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटेंसिटी आ जाएगा, ठीक है। और टोटल एनर्जी अभी हमारा सॉरी ये एनर्जी नहीं है, ये क्या था, एनर्जी डेंसिटी था। ये U जो है U का है, देखो ये U जो है एनर्जी डेंसिटी था, ध्यान से देखना है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो U जो है एनर्जी डेंसिटी है, उसकी वैल्यू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर होता था, ठीक है, ई स्क्वायर होता था। सो इंटेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ से आप देखिए, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू में सी हो गया, ठीक है। और इसी में फिर रिप्लेस वगैरह करेंगे तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर को हम लोग बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट इंटू में सी, ये भी फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और मोमेंटम का तभी आपको तुरंत बताया था कि पी इज इक्वल टू यू बाई सी होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? लेकिन ये मोमेंटम जो है, अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी भी है ना सरफेस पे, जैसे यहाँ से आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस पे आया, तो अब ये गया और फिर जाके जब रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, तो यहाँ पर अगर मोमेंटम पी है तो यहाँ पर मोमेंटम क्या हो जाएगा, माइनस पी हो जाएगा। तो कितना उस पर टोटल मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, तो पी है ना फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो कितना हो जाएगा, माइनस टू टाइम्स पी। तो माइनस टू टाइम्स पी उसका मोमेंटम हो जाएगा, तो ट्रांसफर कितना हुआ, तो टू पी, तो यानी कि टू इंटू यू वाई सी। तो टोटल है ना, अगर वो वेव कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, कुछ भी यहाँ पर जो है लॉस नहीं हो रहा है एनर्जी, तो उस समय में जो मोमेंटम डिलीवर हो जाएगा दैट इज इक्वल टू टू टाइम्स यू वाई सी, ठीक है। और इसमें एक लास्ट टॉपिक है तुम्हारा कि दैट इज रेडिएशन प्रेशर, ठीक है। तो कभी भी अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी भी सरफेस पे फॉल करता है तो वो वहां पर प्रेशर भी एग्जर्ट करता है, ठीक है। और ये जो प्रेशर होता है दैट इज इक्वल टू इंटेंसिटी अपॉन में क्या, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। इंटेंसिटी क्योंकि एनर्जी पर यूनिट एरिया है ना पर यूनिट टाइम, ठीक, और डिवाइडेड बाय क्या होता है, स्पीड को हम लोग क्या होते हैं, डिस्टेंस इनटू है ना डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो सी की जगह पे लिख देते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या, एनर्जी, एनर्जी मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कैंसिल हो गया, तो फोर्स अपॉन एरिया क्या बना, प्रेशर। बात समझ में आई कैसे कैसे डिराइव हुआ ये सारा फॉर्मूला, ठीक है। आप लोग खुद से भी करिएगा, इंटेंसिटी का फॉर्मूला रखा अपॉन में स्पीड का फॉर्मूला रखा, और सबको कटा पिटा के हमने देखा कि ये प्रेशर के बराबर आ जाता है। तो प्रेशर इज इक्वल टू यहाँ से इंटेंसिटी अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट, ये फॉर्मूला है, ठीक है, क्लियर है। तो ये सब आपका कंप्लीट हो गया। अब इसी के बेस पे देखिए एक एग्जाम्पल जो था उसको भी हम लोग फिनिश कर लेते हैं। आज आप लोग एनसीईआरटी का जो बैक एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 छोड़ के सारा कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, 8.5, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय रेडिएशन कमिंग फ्रॉम 100 वाट बल्ब। तो पावर आपको दे रखा है बल्ब का, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर डिस्टेंस पे
वो कितना, जैसे एक बल्ब है तो वहां से रेडिएशन निकलती है लाइट की, ठीक है, तो ये 3 मीटर पे ये कितना जो है रेडिएशन निकाल रहा है, ठीक है, एज्यूम दैट द एफिशिएंसी ऑफ द बल्ब इज 2.5% एंड दैट इज अ पॉइंट सोर्स। जब वो पॉइंट सोर्स है तो हम लोग ये देख लेते हैं कि ये यहाँ से कितना एरिया जो है वो कवर कर रहा है, तो ये पॉइंट सोर्स है तो इसके लिए जो है ना वेव बनेगा है ना, तो वो कैसा होगा, स्फेरिकल टाइप का बनेगा, ठीक है, पॉइंट सोर्स के लिए हम लोग पहले भी देख चुके हैं, तो स्फेयर बनेगा, तो ये है ना इतने रेडियस में, 3 मीटर के रेडियस में, तो स्फेरिकल सरफेस का जो एरिया हो जाएगा 4πr², तो हम लोग यहाँ से ये देख लेंगे कि इसका एरिया इतना है, ठीक है, और इंटेंसिटी अभी हमने देखा कि पावर अपॉन एरिया, ठीक है, पावर इज इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू एरिया, ठीक है, तो इंटेंसिटी हो जाएगा इतना पावर इंटू एरिया, अभी हम लोग देख चुके थे, क्योंकि इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया क्या है, पावर, पावर अपॉन में एरिया, तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, तो पावर आपको दे रखा है 100 वॉट, ठीक है, और एरिया है आपको इतना, और उसमें आपको बोला है कि एफिशिएंट सिर्फ 2.5% है, तो इनटू में 2.5% कर दिया, तो इंटेंसिटी इसकी इतनी हो गई, ठीक है, सो हाफ ऑफ दिस इंटेंसिटी, इसमें जो इंटेंसिटी है, ठीक है, तो इसमें टोटल इंटेंसिटी हो गया किसका, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी का, तो इसमें हाफ ऑफ इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और हाफ इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो हाफ इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो गया, तो यहाँ से हम लोग ये फॉर्मूला करके ERMS की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, समझ गए ना, तो आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था और मैग्नेटिक फील्ड पूछा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ये निकल जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा ये आपकी RMS वैल्यू है तो पीक वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है, और फिर उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो क्योंकि C इज इक्वल टू E बाई B होता है, जब E निकल गया तो B भी निकल जाएगा, ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके जो है आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आप आई थिंक आपको ये समझ में